जाएगी होर भी गंभीर। हुण जानदे हां खबरां विस्तार दे नाल। वड्डी ताज़ा खबर तों शुरुआत करदे हां कि बरगाड़ी कोटकपुरा गोलीकांड दा मामला जिहदे उत्ते सियासत भी पखी हुई है ते इस मामले नूं लैके सिखां नूं भी बहुत लंबे समय तों इंतजार है कि कदों उन्हां नूं इंसाफ मिले ते दोषियां नूं उन्हां दीआं बणदीआं सज़ावां मिलण। इस मामले दे विच SIT जो कि IG कुंवर विजय प्रताप सिंह की अगुवाई में काम कर रही थी उसकी रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया है। हुण अगली रिपोर्ट बनेगी वो कदों बनेगी कदों इसकी जाँच होकर नतीजा सामने आएगा उस बारे हजे कुछ फिलहाल पता नहीं है। पर जिहड़ी वड्डी खबर सामने आई है हाथ लगी है उहदे नाल सिख जगत नूं सिख कौम नूं इक वड्डा झटका जरूर लग्या है। दरअसल कोटकपुरा गोलीकांड मामले की जाँच पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट वल्लों रद्द कीते जाण तों बाद फरीदकोट की अदालत ने इस मामले दे विच जिन्ने नामजद व्यक्ति सी जिन्हां नूं दोषी मन्निया गया सी उन्हां सारिआं नूं इक वड्डी राहत दे दित्ती है अते इस कोटकपुरा गोलीकांड मामले की कार्रवाई उत्ते रोक लगा दित्ती है। फाइल जिहड़ी है उसनूं बंद कर दित्ता है। बचाव पक्ष के वकील गुरसाहिब सिंह बराड़ ने दसिया है कि अज फरीदकोट अदालत में कोटकपुरा अते बहबल कलां गोलीकांड की तरीक सी ते इस दे उते बहबल कला गोलीकांड मामले में अदालत ने हुण अगली तरीक जिहड़ी है पेशी है और रखी सी 18 मई की। पर कोटकपुरा गोलीकांड के संबंधी बीते दिनी जो हाईकोर्ट ने फैसला दिता सी नवी टीम बनाउण दा ते जिहड़ी पुरानी रिपोर्ट सी उसनूं खारिज कर दिता रद्द कर दिता सी ते इसे आधार उत्ते अज एक अर्जी दाखिल की गई फरीदकोट अदालत दे विच। उस दे विच ए कहा गया सी कि इसनूं बंद कर दिता जाए इस मामले की अगे कार्रवाई नहीं चल सकती, जिस तों बाद अदालत ने बचाव पक्ष की अर्जी नूं मंजूर करते हुए कोटकपुरा गोलीकांड मामले की कार्रवाई नूं बंद कर दिता है। अदालत दे इस फैसले दे नाल जिथे संघर्ष कर रहियां इंसाफ वास्ते लड़ रहियां जूझ रहियां सिख जथेबंदियां नूं झटका लग्या है उत्थे ही इस मामले दे विच नामजद कीते गए पंजाब दे साबका DGP सुमेध सैणी IG परमराज सिंह उमरा नंगल अते उन्हां दे नाल ही 7 अधिकारियों नूं वड्डी राहत मिली है। नवीं टीम गठन करन दा फैसला जरूर अदालत ने सुना दिता है। सरकार कदों नवी टीम का गठन करती है 6 महीने का समा दिता है कदों इसकी जांच होगी फिर तो किन्ने साल लगनगे कदों इसका फैसला आएगा दोषियों को सज़ा मिलेगी पता नहीं। पर फिलहाल फरीदकोट अदालत ने इसकी कार्रवाई इस मामले की जिहड़ी फाइल है उसनू बंद कर दिता है। पिछले कई दिनों तो हथ पैर मार रहे ने सुचा लंगाह ते पंथ दे विच वापसी वास्ते लगातार हमला मार रहे ने पर उन्हां दी कोई पेशकश नहीं चली नहीं सुनवाई हुई। उहदे तों बाद हुण उन्हां दे बजुर्ग माता पिता दे वलों श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं एक पत्र लिखा गया है। उस पत्र दे विच लिखा गया है कि उन्हां दे पुत्तर नूं माफ़ कर दिता जाए उन्हां दी पंथ दे विच वापसी करवा ली जाए। लंगाह दे माता पिता ने पत्र दे विच लिखा है कि बिरध होण दा करके उन्हां दी सेहत ठीक नहीं रहिंदी कदों उन्हां दे साहां दी टोर टुट जाएगी इस बारे वो कुछ नहीं कह सकते। उन्हां दा कहना है कि कई पीढ़ियां तो उन्हां दा परिवार गुरु घर दे विच श्रद्धा रखण वाला रहा है ते वो नहीं चाहुंदे कि अखीर दिनां दे विच या जिंदगी दे अखीर दौर दे विच उन्हां नूं ये देखना पवे कि उन्हां दे परिवार का कोई भी मैंबर गुरु घर तो बेमुख या फिर पंथ दे विचों टुटा रहे। इस करके उन्हां ने जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं यह अपील की है कि उन्हां दे पुत्र नूं माफ़ कर दिता जाए उन्हां दे पुत्र तो बीते समय दौरान जो भी भुलां होईयां ने उन्हां वास्ते वह हथ जोड़ के खिमा याचना करते ने। पंथ दे विचों शेके जाण तों बाद लंगाह नूं ही नहीं सगों परिवारक मैंबरां अते रिश्तेदारां नूं भी मानसिक ते समाजिक पीड़ा दे विचों गुजरना पिया है अजिहा पत्र दे विच लिखा गया है सुचा सिंह लंगाह दे माता पिता दे वलों। वह कहिंदे ने कि कोई भी सिख इस दुनिया तो गुरु तो बेमुख हो के रुखसत नहीं होना चाहता इस करके उन्हां दे पुत्र नूं भी माफ़ कर दिता जाए उन्हां दी पंथ दे विच वापसी करवा ली जाए। इस वास्ते दर्शकों के विचार भी बहुत अहम मन्ने जांदे ने कि वह की सोचते ने। सुचा सिंह लंगाह जिन्हां नूं पंथ दे विचों शेक दिता गया सी उन्हां दे गुनाहां दा करके उन्हां नूं हुण पंथ दे विच वापसी करवा लैनी चाहीदी है। हुण जदों उन्हां ने माफ़ी मंगी है उन्हां दे माता पिता ने भी अपील की है हाथ जोड़ के उन्हां नूं माफ़ कर देना चाहीदा है जां फिर नहीं इस बारे जथेदार साहिब नूं की फैसला लेना चाहीदा है। उधर देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली दे विच एक नवा एक्ट एक नवा कानून लागू कर दिता गया है।
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश सरकार सोध एक्ट 2021 इस नू लागू किया गया है। इस नू लागू करन दे नाल की होवेगा कि उत्थों दे उपराजपाल नू राजधानी की चुनी हुई सरकार तो उपर दा दर्जा हासिल हो गया है, यानी कि उसकी पावर केजरीवाल सरकार दे नालों उपर दी हो गई है। गृह मंत्रालय दे वलों जारी नोटिफिकेशन दे अनुसार एक्ट दियां तारावां 27 अप्रैल तो लागू हो चुकियां ने। नवे कानून दे अनुसार दिल्ली सरकार दा अर्थ उप राजपाल होवेगा अते दिल्ली सरकार नूं हुण कोई भी कार्यकारी फैसला लैण तो पहला उप राजपाल की इजाजत लैनी पवेगी। दिल्ली सरकार केजरीवाल सरकार अपने तौर उते कोई भी फैसला नहीं लै सकती। गल पंजाबी सियासत दी कर लैने हां, मामला जां सियासत पखी होई है बरगाड़ी गोलीकांड दे मामले नूं लैके कि इहदे विच SIT दी रिपोर्ट नूं खारज कर दिता गया है ते इस मामले नूं ज़्यादा उठाया गया है कांग्रेस दे ही एक विधायक दे वलों नवजोत सिंह सिद्धू दे वलों, जो कि अक्सर अपने ट्वीट्स नूं लैके ट्विटर दे उत्ते सोशल मीडिया दे उत्ते खबरां दे विच सुर्खियां दे विच आ रहे ने, चर्चा दा विशा बने हुए ने। दरअसल सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी दे विच ही एक नवा तूफान लियांदा होया है कि सारे मंत्री सारे कांग्रेस दे विधायक उन्हां दे खिलाफ बोल रहे ने, उन्हां दे खिलाफ उन्हां ने मोर्चा खोलिया होया है। इथों तक के कैप्टन ने भी सिद्धू दे उत्ते हुण निशाने साध दिते ने, दोनों दे वलों खुल के अपनी गल जिहड़ी है उह रखी जा रही है। हुण जो खबर आई है उस दे अनुसार थल सेना दे साबका फौज मुखी जनरल JJ सिंह ने भी ट्वीट करके पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन दे उत्ते निशाना साध्या है ते उन्हां नूं इह ताना मारिया है कि मैं तां मामूली जिही चोण दे विचों हारिया सी, पर तुसीं अपनी जमीर तों हार चुके हो, अपनी जमीर ही हार चुके हो। हुण उन्हां दे वलों JJ सिंह दे वलों भी कैप्टन दे उत्ते इह दोष लगाया जा रहा है कि बादलां नूं बरगाड़ी गोलीकांड मामले दे विचों कैप्टन ही बचा रहे ने। जनरल JJ सिंह ने इस दे नाल ही वड्डा खुलासा करदे होए यह भी दस्या है कि साल 2017 दे विच विधानसभा पटियाला अते लंबी विखे जिहड़ा एक फिक्स मैच खेडिया गया सी बादलां दे वलों ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वलों, इह सियासी गुज्जी गल किसे तों वी लुकी होई नहीं है। विधानसभा चोणां दे दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह लंबी गए सी साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल नूं जिताउण दे वास्ते। उन्हां कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अते बादलां विचाले फिक्सिंग दी पोल सब दे सामने खुल चुकी है, सारा पंजाब इस नूं जाण चुका है। उन्हां फोन दे उत्ते गलबात करदिआं कहा कि मैं पटियाले तों चोण नहीं हारिया बल्कि मैनू अकालियां ने ही हरवाया सी। जनरल JJ सिंह दा कहना है कि सब तों वड्डी गल तां इह है कि पटियाला विधानसभा चोण लड़न तों बाद भी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे दिलों ते दिमाग दे विचों उह नहीं निकले, इस करके समा आउण ते उह उन्हां नूं याद करदे रहिंदे ने। उन्हां नाल ही भी कहा है कि सारा पंजाब इस गल तों जाणू हो चुका है कि कैप्टन बादलां नाल कथित क्यों खिचड़ी हन। 2017 दियां चोणां विच बादलां ने साजिश दे तहत कैप्टन दी मदद कीती सी, जिस दा कर्ज कैप्टन हुण बहबल कलां गोली कांड विच स्थित कारवाई ना करके चुका रहे ने जां फिर चुका दिता है। देश भर दी सरकार केंद्र सरकार जिसनों के दुनिया भर तों ताने भी वज रहे ने कि इत्थे कोरोना दे जां फिर सेहत प्रबंध उपुख्ता नहीं कीते गए, सरकार दे वलों सरकार दी वड्डी नाकामी सामने आई है, वख-वख देशां तों मदद भी भेजी जा रही है। इन्हां दे इसे सब दे चलदे होए दिल्ली हाई कोर्ट दे वलों सुप्रीम कोर्ट दे वलों भी केंद्र सरकार नूं लगातार झाड़ां पाईआं जा रहीआं ने। दिल्ली हाई कोर्ट ने तां इत्थों तक कह दिता है कि उस नूं अजिहा प्रतीत हुंदा है कि केंद्र अजिहा चाहुंदा है कि लोक देश दे मरदे रहन, क्योंकि कोरोना दे इलाज विच वरती जांदी रेमडेसिविर दा इस्तेमाल नूं लैके जो नवें दिशा निर्देश जारी कीते गए ने उन्हां दे अनुसार सिर्फ ऑक्सीजन उत्ते निर्भर मरीजां नूं ही इह दवाई दित्ती जा सकदी है। जज ने केंद्र सरकार नूं कहा कि यह गलत है, अजिहा लगता है कि केंद्र सरकार दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती जां इस फैसले नूं लैके उसने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। हुण जिन्हां दे कोल ऑक्सीजन की सहूलत नहीं है उन्हां नूं रेमडेसिविर दवाई नहीं मिलेगी, अजिहा लगता है कि तुसीं चाहुंदे हो लोग मरदे रहन। हाई कोर्ट ने कहा कि अजिहा लगता है कि केंद्र ने रेमडेसिविर की घाट की भरपाई वास्ते प्रोटोकॉल नूं बदल के रख दिता है। कोर्ट का कहना है कि यह सरकार का कू प्रबंधन है, अदालत COVID-19 के नाल दरअसल पीड़ित एक वकील की पटीशन के उत्ते सुनवाई कर रही थी जिसनों रेमडेसिविर दिया 6 खुराकों के विचों सिर्फ 3 खुराक ही मिली सी, पर अदालत की दखल अंदाजी करके वकील नूं बाकी की खुराक मिल गई है।
उधर सुप्रीम कोर्ट के वलों भी केंद्र सरकार नू एक बार फिर तो सख्त झाड़ पाई गई है। टीकों दीआं कीमतां नू लैके जो टीके मुफ्त दे विच जां दित्ते जा रहे ने सरकारां वल्लों जां उन्हां नू किसे कीमत दे उत्ते दित्ता जा रहा है, उन्हां दीआं कीमतां नू लैके एक वक्खरा रट्टा पिया होया है कि राज सरकारां नू किस कीमत दे उत्ते दित्ता जाएगा, प्राइवेट हस्पतालां नू किस कीमत दे उत्ते दित्ता जाएगा जां केंद्र सरकार नू। भारत बायोटेक ने इन्हां दी कीमत नू लैके इह कहा सी कि उह सूबिआं नू 600 रुपए प्रति खुराक अते प्राइवेट हस्पतालों 1200 रुपए प्रति खुराक की दर उत्ते टीके मुहैया करवाएगी। उधर दूसरे टीके का कहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कि उस सूबिया 400 रुपए और प्राइवेट हस्पतालों 600 रुपए प्रति खुराक की दर उत्ते टीका मुहैया करवाएगी, जिदे तो बाद केंद्र सरकार नू सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ पाई है कि यह सब हो की रहा है। टीकों दीआं कीमतां वख-वख सूबिआं दे विच वख-वख क्यों हो रही ने, सूबिआं दे हिसाब दे नाल प्राइवेट हस्पतालां दे नाल क्यों ये बदल रहियां ने, इस दे उत्ते जदों सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ पाई तां हुण एक नवां फैसला जो सुनाया गया है उस दे अनुसार टीके दी कीमत जिहड़ी है ओह कुछ हद तक घट कर दित्ती गई है। कोविशील्ड दे वास्ते सीरम इंस्टीट्यूट दा ये बयान आया है कि हुण सूबा सरकारां नूं वैक्सीन दी एक डोज 100 रुपए घट दे विच देवेगी। सूबिआं नूं कोविशील्ड दी एक डोज हुण 400 रुपए दी थां 300 रुपए दे विच दिती जाएगी, 100 रुपया घट कर दिता गया है। सीरम ने वैक्सीन की एक डोज की कीमत जिहड़ी कि सिर्फ सूबा सरकारां दे वास्ते घटाई है, प्राइवेट ते निजी हस्पतालां दे वास्ते कीमतां घट नहीं होईयां, उन्हां दे वास्ते पहलां दे रेट दे उत्ते ही ये टीके मुहैया करवाए जाणगे। यानी कि निजी हस्पतालों हुण भी कोविशील्ड की एक डोज 600 रुपए दे विच ही मिलेगी। सीरम के इस फैसले के नाल सीधे तौर उत्ते सूबा सरकारां नूं तां राहत मिली है पर निजी हस्पतालों इस तों कोई भी राहत नहीं मिली। जदों देश कोरोना वायरस की दूजी घातक लहर का सामना कर रहा है अजिहे विच भारत की नाकामी सामने आई तो भारत की निंदा क्यों हो रही है, वह इस करके कि पहली लहर दे विच जां पिछले साल कोरोना महामारी नूं इन्हें हल्के दे विच लै लिया कि भारत अपनियां दवाइयां नूं बाहरले मुल्कां दे विच वंडन लग पिया, भारत नूं अपना ज़्यादा लोड़ तों वध आत्म विश्वास ही लैके बह गया। भारत का कहना सी कि उसकी प्रणाली ठोस है, उसकी प्रणाली मजबूत है, उसनूं किसे दी मदद की लोड़ नहीं है, यही आत्म विश्वास जिहड़ा सी लोड़ तों वध उसका खमियाजा हुण भारत दे लोकां नूं देशवासियां नूं भुगतना पै रहा है। ये गल जिहड़ी है ये वख-वख सरकारां दे वल्लों वख-वख लोकां दे वल्लों इत्थों तक कि यूएन संयुक्त राष्ट्र दे वल्लों भी कह दित्ती गई है, क्योंकि देश दे विच हुण ज़्यादातर हस्पतालां दे विच ऑक्सीजन की कमी पाई जा रही है, दवाइयां की कमी पाई जा रही है, वेंटीलेटर बैड की कमी भी पाई जा रही है। इस दे दौरान संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर तो भारत दे विच जो हालात बने हुए ने उन्होंने उत्ते चिंता जताई है, भारत सरकार नू नाल ही शर्म का एहसास भी करवाया है, वह किवें इस बारे भी दसदे हाँ। दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारत ने उस तो सहायता लैण तो यह कहिंदिआं पहलां इनकार कर दिता सी कि कोविड-19 दे नाल नजिठण वास्ते उहदे कोल अपनी मजबूत प्रणाली है। यूएन दे सकत्तर जनरल ने दस्या है कि असीं भारत नूं कहा सी कि जे लोड़ है तां उह कोविड-19 दे वधदे केसां दे मद्देनज़र भारत दी सहायता करन दे वास्ते तैयार हन, हर संभव सहायता कीती जाएगी, पर भारत सरकार ने इस पेशकश नूं ठुकरा दिता ते कहा कि उहदे कोल यानी कि भारत सरकार दे कोल कोरोना महामारी दे नाल लड़न वास्ते एक मजबूत प्रणाली है। इस सब तों बाद संयुक्त राष्ट्र हजे भी अपनी पेशकश दे उत्ते कायम है, उसका कहना है कि जदों कदे भी भारत कहेगा वह तुरंत भारत की मदद करनगे, क्योंकि देश ने भारत ने मुश्किल समय दे विच पूरी दुनिया नूं मदद दित्ती सी, वैक्सीन दित्ती सी, हुण दुनिया दी वारी है कि वह भारत की मदद करे। संयुक्त राष्ट्र ने अपने एकीकृत सप्लाई लड़ी जरिए भारत नूं हर संभव मदद देने की पेशकश की है कि वह हर संभव मदद भारत नूं हजे भी देने वास्ते तैयार है। जिवें जिवें भारत दे विच कोरोना दे केस वध रहे ने उवें उवें ही लोकां नूं वड्डे शहरां तों छोटे शहरां अते कस्बियां विच बने कोरोना हस्पतालां दे विच जा के दाखल हो के अपना इलाज करवाउणा पै रिहा है। हस्पतालों के मरीज़ वध तो वध भर्ती हो रहे हैं कि हस्पतालों के जगह बची ही नहीं, लोग सड़कों के उत्ते भी अपना इलाज करवा रहे हैं, जिदे तो बाद हुण वख-वख सूबिआं तो दिल्ली हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेश तो कई मरीज पंजाब के अपना के इलाज करवा
रहे ने। पंजाब दे विच बहुत सारे मरीजों ने अपना रुख कर दिता है। पंजाब दे विच पटियाला लुधियाना अमृतसर जलंधर शहर इस महामारी दे नाल अज जो हालात बने ने उन्हां दे नाल ज़्यादा जूझ रहे ने। पटियाला दे विच हालात होर भी ज़्यादा खतरनाक बने हुए ने। उत्थे भी लगातार कमी जिहड़ी है पाई जा रही सी पिछले दिनों दे विच, ते उत्थे मरीजों की जिहड़ी मौत की गिनती है वह भी लगातार वधदी जा रही है, क्योंकि पटियाला दे विच बाहरले सूबियां तो ज़्यादा मरीज आए हुए ने ते उत्थे ज़्यादा मरीज कोरोना वायरस के मरीज ने जिहड़े कि गंभीर हालत दे विच उत्थे पुजदे ने ते ऑक्सीजन की शॉर्टेज का करके उन्हां दी मौत हो जाती है। खबरों के मुताबक वैक्सीन के कारण हुण खून की कमी होनी भी शुरू हो गई है, क्योंकि माहरां दा कहना है कि कोरोना वैक्सीन लगवाउण वाला व्यक्ति 56 दिन तक किसी नूं भी खून नहीं चढ़ा सकता। खबरों के मुताबक गल करिए वैक्सीन का करके जिथे पहला ऑक्सीजन की कमी, वेंटीलेटर की कमी, हस्पतालों में बैड की कमी दी खबर सुनने को मिल रही थी, उत्थे ही हुण खून की कमी होनी भी शुरू हो गई है। ये खबर भी सुनने दे विच आ रही है, क्योंकि माहरां का कहना है कि कोरोना वैक्सीन लगवाउण वाला व्यक्ति 56 दिन तक किसी नूं भी खून नहीं दे सकता। पंजाब की तो जेकर गल करिए इत्थे थैलेसीमिया के हज़ारा मरीज़ हैं जिन्हां नूं हर 15 दिनां बाद खून चढ़ाउणा पैंदा है। ये उन्हां दी मजबूरी है, उन्हां नूं जीवंदे रखण दे वास्ते उन्हां नूं खून जिहड़ा आ बदलाउणा पैंदा है। हुण जेकर आउण वाले समें दे विच 18 साल तों उपर दे लोक वी कोरोना वैक्सीन लगवा लैणगे तां खून दी कमी होणा लाजमी है। अजिहे मामले दुआबे दे जलंधर शहर तों देखण नूं मिल भी रहे ने। उत्थे हस्पतालां विच खून की कमी आनी शुरू भी हो गई है। थैलेसीमिया मरीजों वास्ते काम कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों तो उन्होंने खून दान करने वाले बेहद ही घट लोग मिल रहे ने। इस तरह की मुश्किल पिछले 2 महीनों तो आने लगी है। कोरोना करके खून दान भी लोग नहीं कर आ रहे, जिस करके बेहद मुश्किल हो रही है। तो जदों हुण बाकी लोग भी कोरोना वायरस का टीका लगवा लैणगे तो खून की कमी की समस्या होर भी ज़्यादा आने लग पवेगी। फिलहाल खबरों के बुलेटिन के विच इना ही, दोबारा मिलांगे, तद तक के लिए दिओ इजाज़त, धन्यवाद।